मेरी जारी मेरी गुइया जाने कबलिया जारी महारानी दासी से बोली है भीष्मक की पत्नी ने दासी को भेज के भीष्मक को बुलवा लिया। क्या नाम बेटा? ये हमारे करीब नोटों का हार आया है, शुभप्रीत उर्फ सुरजीत यादव सहालमपुर के रहने वाले हैं, जो नोटों का हार पहना रहे हैं बच्चे और पुष्पों का हार पहना रहे हैं। भगवान बच्चों को सुख शांति दे और सद्बुद्धि प्रदान करे, दुनिया में नाम रोशन हो। बोलिए गोविंद भगवान की। बताया है श्री सुखदेव ने महाराज परीक्षित को, महाराज भीष्मक की पत्नी ने भीष्मक को बुलवा लिया और भीष्मक जब आए तो ये कहा हमारी लड़की शादी के योग्य हो गई, क्यों ना बच्ची की शादी करी जाए। तो भीष्मक बोले हाँ हमें तो याद ही नहीं रहा, आज ही जाएंगे दरबार में सलाह मिलाएंगे, सुंदर सा घर भर ढूंढ के बच्ची के हाथ पीले करेंगे। पहुंच गए दरबार में, दरबार में पहुंच गए और पूछने लगे सभी से, देखिए भाइयों आज हम सभी को समान अधिकार दे रहे हैं। और जवाब दिया देखो भाइयों आज हम सभी को समान बोलने का अधिकार दे रहे हैं और हम एक बात पर एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। खर्चा महाराज? नहीं है? चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा? हाँ काय की? देखिए तुम्हें तो मालूम है हमारी लड़की रुक्मणी शादी की योग्य हो गई। कब से? नहीं मालूम? मुझे कभी दिखाई हो तो जाने। हाँ बात भी तुमने ध्यान नहीं दिया, हमारी लड़की शादी की योग्य हो गई और हमारी लड़की हजारों में एक है। लड़का लाखों में एक होना चाहिए, कोई सुंदर सा पर बताओ हम अपनी लड़की की शादी करें। एक बात बताओ महाराज लड़की की उम्र कितनी है? हमारी लड़की की उम्र है 11 वर्ष की। हैं? 11 वर्ष की। लड़का कितने को होना चाहिए अंदाज से फिलहाल? लड़का होना चाहिए मान लेते 11 वर्ष का हो, 15 वर्ष का हो चल जाएगा। 5-5 साल ही तीन ढूंढ ले तो ना बढ़िया रहे। एक मत जाए एक बुद्धि नहीं ठीक है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई तो ऐसा करो महाराज। हाँ।
जरासंध के लिए कैसे रहे? अरे कहां हमारी लड़की, कहां वो बूढ़ा राजा है, अच्छा नहीं है। तो दुर्योधन कैसे रहे? अरे वो बड़ा घमंडी है, बड़ा अभिमानी है, वो भी ठीक नहीं है। एक वो है महाराज, मेरी नाजिल बहुत सब ब्यूटीफुल। कौन है वो? वाह इतनों, अब तुम्हें है तुम रान दियो। बताओ बता दे। ना महाराज, हाँ हम बहुत अच्छो लोग देखने में अच्छो लगत। गोरो चट्टा धरो बहू का जब हसत ना है तो जा समझो आकाश और पाताल ही कह जातो है। ऐसा कौन है जी? बैठो देखो सही रहे।